हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए समय काफी कम रह गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जोरों से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। द्रंग से भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने चैटीगढ़ के रोपा गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। सबसे बड़ा पावर ग्रिड हमारा जो है वो दिल्ली में है, वो बड़ा जो ट्रांसफार्मर है जो वो आदरणीय मोदी जी हैं, और आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, और उसके बाद दूसरा जो सब स्टेशन बनेगा 33 KV का सब स्टेशन जो बजौरा में बना है, वैसा सब स्टेशन जो है वो शिमला में बनने वाला है। तो आपके घर गाँव गाँव तक आपकी जो रोशनी है, विकास की जो रोशनी है, वो आपके घर द्वार तक पहुंचे, ये आपको मैं विश्वास देना चाहता हूँ। जो भी लोग हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं उनका आप आदर सम्मान करें, उनको भी पूरी पार्टी में आने वाले समय में जब संगठन की बात आएगी तो ऐसा आप लोगों को भी जिम्मेवारियां देंगे। वहीं इस अवसर पर 50 कांग्रेसी भाजपा में भी शामिल हुए। पोलस्टार टीवी मंडी।